बताना चाहूँगा इस वक्त हम 144 फुट की ऊंचाई पर हैं, क्योंकि इस वक्त हम दसम फूल पर हैं। व्हाट्सअप लवली पीपल, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बताना चाहूँगा रांची के इस टूर में फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते दसम फूल आ चुके हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखते रहिए। तो लवली पीपल, यही है हमारा झारखंड टूरिज्म का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक दसम फूल। बताना चाहूँगा ये हमारा झारखंड सरकार का बड़प्पन है, या फिर हम उसका तारीफ जितना ही कर लें, कि आज इस पिकनिक सीज़न में आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं, वरना पहले के टाइम इतना भीड़ हुआ नहीं करता था और इतना आधुनिक सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी। और इसके लिए मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप लोग भी सहयोग करें इस वातावरण को स्वच्छ रखने में। लवली पीपल, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस वक्त हम दसम फूल का मज़ा ले रहे हैं। और अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, तो ये दसम फूल हमारे जमशेदपुर से महज 108 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, और ये रांची से 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस है, और जब भी मौका मिलेगा आप लोग ज़रूर आना। बताना चाहूँगा लवली पीपल, आप जब दसम फूल पर आएंगे तो यहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है कि असुरक्षित स्थलों पर सेल्फी ना लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। तो आप जब भी यहां पर आएंगे इन चीज़ों का ख्याल रखें, अदरवाइज़ आप सीधे ऊपर को निकल लेंगे राम नाम सत्य की यात्रा पर। अभी का जो टाइम है ये पिकनिक का सीज़न है, ऐसे में सिर्फ लोग यहाँ पर घूमने नहीं आते हैं, बल्कि जो हमारे जो पहले का प्रजाति हैं यानी कि बंदर, वो भी यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं लवली पीपल, बताना चाहूँगा आज यहाँ दसम फूल में आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बंदर बहुत सारे मिलेंगे, यानी कि हमारे वंशज, पहले के वंशज। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ दसम फूल में फ़िलहाल झारखंड सरकार की मदद से यहाँ पर सारी मॉडर्न अम्यूनिटीज़ यानी कि सारी आधुनिक चीज़ें दी जा रही है, तो दी गई हैं, इस वजह से और भी मज़ा आ रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ आएँ और आनंद उठाएं। बताना चाहूँगा अभी आप जिस भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो आपको ये साइन बोर्ड ज़रूर मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था कि फ़िलहाल इसका जो गेट है जहाँ हम नीचे तक जा सकते थे उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही लापरवाह होते हैं, अपना जान को जोखिम में डाल देते हैं, इस वजह से जो सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, फिलहाल आप देख सकते हैं नदी का जो पानी एकदम स्वच्छ है, साफ लग रहा है, स्वच्छ तो नहीं है बट साफ ज़रूर है। और मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त पानी का रंग साफ नहीं था, तो मैं ये बोल सकता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना ने वो काम करके दिखाया जो लोग नहीं कर सकते थे, आई मीन टू से दैट लॉकडाउन में। वाह क्या नज़ारा है, वाह वाह। तो यहाँ पर आपको टावर भी मिल जाएगा, नेटवर्क को कोई सुविधा नहीं है, सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, होटल बाथरूम शौचालय सब कुछ है, बस आप आइए और आनंद उठाइए।
अगर मैं दसम फॉल के डेवलपमेंट की बात करूं तो सरकार ने यहाँ बहुत कुछ सुविधाएं प्रदान की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर चिल्ड्रेन पार्क है, शौचालय है, पार्किंग का फैसिलिटी है, तो सारी आधुनिक चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो इस वजह से भी ये जो टूरिस्ट प्लेस है और भी रिच हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है, और यही रीज़न है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। वाकई ये एक कमाल का जगह है। बताना चाहूँगा इस वक्त ये पिकनिक का सीज़न है और यही रीज़न है कि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और ये है दसम फॉल का सबसे खूबसूरत नज़ारा सीधा जमशेदपुर से। तो जमशेदपुर वासियों, जब भी मौका मिले आप लोग यहाँ ज़रूर आना। और बताना चाहूँगा ये झारखंड टूरिज़्म का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस में से एक है। वाह वाह क्या नज़ारा है। इस वक्त यहाँ दसम फॉल में पिकनिक का समय बांध चुका है। रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो दसम फॉल है ये समुद्र तल से 144 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से ये जो जगह है और भी खूबसूरत हो जाता है। और बताना चाहूँगा ये जो पानी है असल में एक नदी है जिसका नाम है कांची, वहीं से ये पानी बहकर आता है और उसका जो दृश्य है देखते ही बनता है। और इसकी जो खूबसूरती है सभी लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। आप लोग देख सकते हैं आज थोड़ा भीड़ है। तो लवली पीपल, यहाँ दसम फॉल में आकर के काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और मज़े लेते रहिए मेरे वीडियोज़ का। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।